हेलो गाइस, वेलकम टू नॉर्मल कुकिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेके आई हूँ आज नई डिश। तो फ्रेंड्स, बहुत कम तेल में बना रही हूँ ये डिश। तो यहाँ देखिए, मैं आलू ले रखी हूँ 5 ठो। तो मैं क्या करूँगी कि आलू को पहले गूरा कर लेती हूँ। तो मैं आलू को, आलू उबाला हुआ है तो मैं आलू को गूरा कर लेती हूँ पहले अपने हाथ की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, मैं आलू को गूरा कर ली हूँ। तो यहाँ देखिए, ले रखी हूँ प्याज और कच्ची मिर्ची। तो मैं एक प्याज को बारीक काट ली हूँ, तो यहाँ प्याज कच्ची मिर्ची को इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए प्याज कच्ची मिर्ची, और फ्रेंड्स यहाँ मैं ले रखी हूँ धनिया। तो मैं क्या कर रही हूँ, धनिया को इसमें डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स, अब मैं डाल रही हूँ इसमें स्वाद के अनुसार नमक, और थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें ये हल्दी पाउडर। और फ्रेंड्स, अब मैं डालूंगी थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हरा मिर्ची दिए हैं तो इसलिए लाल मिर्ची पाउडर दिए हैं थोड़ा सा। अब मैं फ्रेंड्स क्या कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और मिक्स करके एक इसका गोल गोल बना लूँगी। तो यहाँ देखिए, मैं सारे चीज़ को अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी कि अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाऊँगी। ऑयल लगा के इसका छोटा सा इतना बड़ा बड़ा गोल कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं इसका गोल करके और इतना बड़ा बड़ा इसका गोल कर ले रही हूँ। तो मैं आपको और दिखा देती हूँ एक ठो। तो यहाँ देखिए, इस टाइप को करना है मुझे, तो आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए, इतना साइज के करना है आपको। तो मैं सारे को ऐसे ही कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं सारे को गोल कर ली हूँ। तो आपको इस टाइप के करना है। तो यहाँ देखिए, तो मैं सब कर ली हूँ, इसको साइड में कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, मैं एक प्याला ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, मैं ले रखी हूँ थोड़ा सा बेसन। तो इसमें थोड़ा सा ही बेसन का इस्तेमाल करना है, बेसी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको गाढ़ा नहीं रखना है, हल्का पतला रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, मैं क्योंकि आलू में नमक दी थी, इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, बेसी नहीं देना है, तो इसलिए थोड़ा सा नमक दी हूँ। और इसको कलरफुल करने के लिए इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और अब मैं डालूंगी थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। तो यहाँ लाल मिर्ची पाउडर डाली हूँ, और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें गर्म मसाला। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं ले रखी हूँ थोड़ा सा काला जीरा, तो मैं इसमें काला जीरा डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं क्या करूँगी कि थोड़ा थोड़ा पानी देके इसका एक घोल बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैं पानी डाल दी हूँ, और इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, मैं इसको अच्छे से फेंट ली हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, तो यहाँ देखिए, मैं आपको इस टाइप का रखना है, इतना पतला, बेसी गाढ़ा नहीं करना है। तो यहाँ देखिए, मैं इसको कर ली हूँ। तो अब चलते हैं गैस की तरफ इसको बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसमें बनाऊंगी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि हल्का हल्का समय ऑयल डाल देती हूँ, बेसी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा मैं ऑयल डाल दी हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं डाल दी हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि ये देखिए जो मेरा है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से इसमें डिप करूँगी। यहाँ देखिए, और मैं इसमें अच्छे से डिप करने के बाद मैं क्या करूँगी कि अपने चम्मच से उठाऊँगी इसको। यहाँ देखिए, अब मैं इसमें डाल दूंगी। तो आस्ते आस्ते डालिएगा। तो यहाँ देखिए, तो मैं सारे को ऐसे ही डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, मैं सारे चीज को डाल ली हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको 1 मिनट अच्छे से नीचे से पकने देती हूँ, फिर इसको पलटूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, ये पक गया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको पलट लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, कितना प्यारा कलर आया है। तो मैं सारे को ऐसे ही पलट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं पलट ली हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, फिर से थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देती हूँ इसमें साइड साइड से, कि जो मेरा नीचे वाला है पार्ट, तो अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ देखिए, मैं हल्का हल्का सौमी ऑयल लगा देती हूँ, और फिर से मैं इसको 1 से 2 मिनट नीचे से अच्छे से पका लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मेरा दोनों साइड से पक गया है। देखिए, कितना प्यारा कलर आया है। तो मैं आपको पलट के दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं सारे को पलट के दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए, कितना सुंदर हो गया है, ब्राउन ब्राउन सा। और यहाँ देखिए, दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसको निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, कितना सुंदर बन के रेडी है। तो मैं जो मेरा बच्चा है, उसको भी मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा खाने वाला ऑयल।
तो आप कम बेसी कर सकती हैं और इसमें बेसी ऑयल का दरकार नहीं होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। और फिर से मैं क्या कर रही हूँ कि इसको डिप कर रही हूँ बेसन में आलू को, और यहाँ डाल देती हूँ। यहाँ देखिए बेसन में अच्छे से डिप करें, और डिप करके इसको हल्के से डाल दें। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं डाल ली हूँ सब चीज़ को, तो मैं इसको भी फिर से नीचे से एक मिनट पकाऊंगी, फिर इसको पलटूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए एक मिनट हो गया है, तो मैं इसको भी पलट लेती हूँ। तो यहाँ देखिए कितना प्यारा कलर आया है, तो मैं सारे को ऐसे ही पलट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं पलट ली हूँ सारे चीज़ को, फिर से मैं क्या करी हूँ थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देती हूँ इसमें, जो मेरा नीचे का पार्ट जो है अच्छे से पक जाए। तो यहाँ देखिए मैं अच्छे से ऑयल डाल देती हूँ जो इसके भीतर चला जाएगा, और मैं इसको भी अच्छे से एक से दो मिनट पका लेती हूँ मीडियम गैस पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा ये भी हो गया है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए दोनों साइड से पक गया है। तो मैं क्या करी हूँ गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स मेरा आलू और बेसन का नाश्ता बन के रेडी है, और बहुत टेस्टी है। आज जैसे कि बहुत कम तेल में इस्तेमाल किए हैं इसमें, तो आप कम तेल में बना के खा सकते हैं, और इसको सॉस के साथ खाएं या चटनी के साथ खाएं आपका इच्छा। और मेरा वीडियो अच्छा लगने से मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।